हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश गोरा स्वागत करता हूं आपका आरजे करियर पॉइंट की ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक स्पेशल क्लास जिसमें अपन बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ से OBG के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं विथ रेशनल, कि इसका जो भी क्वेश्चन का आंसर होगा हम उसका रेशनल आपको बताएंगे कि उसके पीछे क्या लॉजिक है उसके आंसर का। ठीक है, तो आप हमारे YouTube चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रेगुलर हमारे यहाँ से आपको क्लासेस मिलती रहेंगी और आने वाले जो एग्ज़ाम हैं, जो कंबाइन एम्स का एग्ज़ाम होने वाले हैं दिसंबर सेकेंड वीक तक डेफिनेटली हो जाएगा, तो आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें ताकि हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी तक इस चीज़ का बेनिफिट पहुँच सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। अपन देखने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हमने आपके लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो आप हमारी वेबसाइट rjcareerpoint.com पर जाके फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन करें। गूगल पे जाके आपको सिंपली सर्च करना है rjcareerpoint.com और वहाँ पर जाकर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन करना है और हमारी फ्री टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की गई है जहाँ से आप अपने नॉलेज को इवेल्युएट कर सकते हैं कि आपने क्या पढ़ा है और कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, एक मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट आपको कैसे करना है। क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको पता है कि कई बार टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता और अपना जो माइंड सेट है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं होता। अपन घर पे अगर क्वेश्चन सॉल्व आउट करते हैं तो किसी एक चैप्टर को हमने पढ़ लिया, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए, लेकिन एक जो पेपर जो हम तैयार करते हैं एक फुली एग्जाम बेस्ड का जो पैटर्न होता है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के वेटेज के अकॉर्डिंग हमने पेपर तैयार किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका माइंड सेट होगा और एज ए रियल एग्जाम आपको फील होने वाला है। तो टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन करें क्योंकि नोट्स और थ्योरी क्लासेस तो आपको हर जगह मिल जाती हैं, हम बुक्स में बहुत सारे पढ़ लेते हैं, लेकिन जब तक आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करोगे तब तक आपको एक एग्जाम का जो कॉन्फिडेंस है वो अचीव नहीं होगा। तो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है और विद इन 2 to 3 days हम एम्स कंबाइन एग्जाम होने वाला है, उसके लिए भी हमने स्पेशल टेस्ट सीरीज तैयार की है एक फुल्ली जो एग्जाम पैटर्न होता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू फाइंड इन ए पेशेंट एक्सपीरियंसिंग ट्रू लेबर। क्वेश्चन को आप आराम से पढ़ें। इसके अंदर आपको दे रखा है कि एक जो नर्स होती है वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सपेक्ट करेगी किसी भी एक फीमेल के अंदर की उसको ट्रू लेबर पेन की कंडीशन है। नर्स एक्सपेक्ट टू फाइंड इन ए पेशेंट एक्सपीरियंसिंग ट्रू लेबर। ट्रू लेबर पेन अपने को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? नीचे कुछ आपको ऑप्शन दिए गए हैं, अकरिंग एट इररेगुलर इंटरवेल्स, ट्रू लेबर पेन इररेगुलर इंटरवेल में होता है, स्टार्टिंग मेनली इन द एब्डोमन, ग्रेजुअली इंक्रीज इंटरवेल एंड इंक्रीजिंग इंटेंसिटी विथ वॉकिंग। अपने को इसमें आइडेंटिफाई करना है कि जो ट्रू लेबर पेन है उससे रिलेटेड कौन सा सिम्टम्स है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपको पता है ट्रू लेबर पेन जो होता है, ट्रू लेबर पेन जो होता है वो क्या होता है, वॉकिंग के साथ साथ इंक्रीज होता रहता है। उसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी क्या होती है, वॉकिंग के साथ इंक्रीज होती है। दो कंडीशन होती है, एक होता है फॉल्स लेबर पेन, एक होता है फॉल्स लेबर पेन, एक होता है ट्रू लेबर पेन। तो ट्रू लेबर पेन है वो क्या होता है, इंक्रीज विथ वॉकिंग, वॉकिंग के साथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और जो फॉल्स लेबर पेन होता है वो क्या हो जाता है, सबसाइड, सबसाइड विथ वॉकिंग, वॉकिंग के साथ क्या हो जाता है, सबसाइड हो जाता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यहां पर ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। ट्रू लेबर पेन अगर आइडेंटिफाई करना है तो क्या होगा, इंक्रीज इंटेंसिटी विद द वॉकिंग। जैसे जैसे फीमेल वॉकिंग करेगी वैसे क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। देखिए ट्रू लेबर पेन क्या होता है, यहां पर देखिए अगर हम ऑप्शन ए देखते हैं तो ये क्या होता है, इररेगुलर इंटरवेल, तो ये गलत है। एक फिक्स रेगुलर इंटरवेल के बाद में क्या होता है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ती है। या अपन बात कर सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं आइडियल कॉन्ट्रैक्शन एक फिक्स टाइम इंटरवेल पर क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो यहां पर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड,
इमीडिएटली बिफोर एक्सपल्सन विच इफ द फॉलोइंग कार्डिनल मूवमेंट अकर, यहां पे देखिए विच ऑफ द ऑफ आएगा यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्डिनल मूवमेंट अकर, यहां पर आप क्वेश्चन को आराम से पढ़े इमीडिएट बिफोर एक्सपल्सन। अब यहां हम बात कर रहे हैं लेबर की सेकेंड स्टेज, सेकेंड स्टेज जो होती है उसके अंदर क्या होता है एक्सपल्सन ऑफ फीटस। लेबर की तीन स्टेज होती है मेनली, वैसे चार होती हैं। फर्स्ट होती है सर्वाइकल डायलेशन, कौन सी है सर्वाइकल डायलेशन, सेकेंड होती है एक्सपल्सन ऑफ फीटस, एक्सपल्सन ऑफ फीटस, थर्ड इज द एक्सपल्सन या सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है, लास्ट में अगर कई बार मानते हैं अपन ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, ठीक है। तो जो सेकेंड स्टेज जो है एक्सपल्सन ऑफ द फीटस, इसकी सेकेंड स्टेज में बात कर रहे हैं कि इमीडिएटली बिफोर एक्सपल्सन, सेकेंड स्टेज के अंदर आठ स्टेज में कंप्लीट होती है ये जो सेकेंड स्टेज जो होती है वो आठ स्टेज में कंप्लीट होती है। फर्स्ट कौन सी है एंगेजमेंट, एंगेजमेंट, उसके बाद में क्या आता है डिसेंट, थर्ड इज द फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड, इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड, नेक्स्ट इज द क्राउनिंग, नेक्स्ट एक्सटेंशन, उसके बाद में होता है रेस्टिट्यूशन, नेक्स्ट इज द एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड या इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर भी होता है, और उसके बाद में होता है डिलीवरी ऑफ ट्रंक एंड शोल्डर, डिलीवरी ऑफ ट्रंक। ये आठ स्टेज के अंदर क्या होता है सेकेंड स्टेज जो है एक्सपल्सन ऑफ फीटस वो कंप्लीट होती है। अब आपको क्वेश्चन के अंदर पूछा है इमीडिएटली बिफोर एक्सपल्सन, एक्सपल्सन से जस्ट पहले कौन सा कार्डिनल मूवमेंट देखने को मिलता है, तो ये आठ या नौ कार्डिनल मूवमेंट है जो क्या होता है फीटस के द्वारा अप्लाई होते हैं ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। तो यहां पर आपको पूछा है ऑप्शन ए है डिसेंट, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड। अगर अपन बात करें एक्सपल्सन ऑफ फीटस, तो फीटस देखिए कहां एक्सपल्सन हो रहा है लास्ट में, डिलीवरी ऑफ द ट्रंक एंड शोल्डर, तो उससे जस्ट पहला मूवमेंट कौन सा है एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड, या इसको बोलते हैं अपन इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर। इसकी जो पूरी प्रोसेस है मैं आपको जब लेबर टॉपिक पढ़ाऊंगा उसके अंदर समझेंगे अपन, लेकिन आप यहां याद रखिए इसके आठ या नौ कार्डिनल जो मूवमेंट है ये फीटस के द्वारा क्या होते हैं अप्लाई किए जाते हैं ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है। तो एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड होता है जस्ट बिफोर द एक्सपल्सन, क्योंकि जब हेड एक्सपेल आउट हो जाता है उसके बाद में क्या होता है उसका रोटेशन होता है बाहर की तरफ, अगर हम बात करें तो हेड का रोटेशन होता है और इन साइड बात करें यूट्रस में तो शोल्डर का रोटेशन होता है। तो दोनों ऑप्शन अगर यहां पर होता इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर, इसकी जगह होता इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर, तो वो ऑप्शन भी अपना क्या होता राइट होता, लेकिन यहां पर दे रखा है एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हेड, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कौन सा है ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये कुछ कार्डिनल मूवमेंट्स होते हैं, लेबर के अंदर अपन डिटेल से पढ़ेंगे इनको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, एन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क ऑफ द पेल्विस दैट डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द डिसेंट ऑफ द हेड इज नोन एज लीनियर टर्मिनलिस, सैक्रम, स्टेल स्पाइनल, स्टेल ट्यूब्रोसिटीज। एक इंपॉर्टेंट बोनी लैंडमार्क अपने को बताना है जहां से अपन क्या करते हैं जो हेड की पोजिशन है उसको डिटरमाइन करते हैं, उसकी डिस्टेंस को क्या करते हैं डिटरमाइन करते हैं। तो हम जब बात करते हैं एंगेजमेंट की, एंगेजमेंट की बात करते हैं अपन कहां से करते हैं इस्चियल स्पाइन से, ये होती है इस्चियल स्पाइन, ठीक है। यहां पे देखिए ये अपन बात करें इस्चियल स्पाइन की, अब इस्चियल स्पाइन से कैसे डिनोट करते हैं, जब बेबी का हेड
इस्टियल स्पाइन के रिलेशन में होता है तो उसको बोलते हैं अपन स्टेशन जीरो। कौन सा? स्टेशन जीरो। और अगर इस्टियल स्पाइन से अबव होता है तो स्टेशन कैसा होता है? माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री। ये जो डिनोट करते हैं अपन वन टू थ्री, ये क्या होते हैं? डिस्टेंस इन द सेंटीमीटर फ्रॉम द इस्टियल स्पाइन ऑफ हेड। ठीक है, बेबी के हेड से इस्टियल स्पाइन की डिस्टेंस इन द सेंटीमीटर। अगर इस्टियल स्पाइन से ऊपर रहता है फीटस का हेड तो वो डिनोट करते हैं अपन माइनस के अंदर, और अगर फीटस का हेड डिसेंट होकर इस्टियल स्पाइन से फॉरवर्ड हो गया इसको अपन डिनोट करते हैं प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, और ये होता है क्या? स्टेशन सॉरी और इसके अंदर क्या होता है? स्टेशन प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री। ये जो प्लस में डिनोट करते हैं नीचे की तरफ वन टू थ्री, और माइनस में डिनोट करते हैं ऊपर की तरफ। माइनस के अंदर तो क्या हुआ? इस्टियल स्पाइन से अबाउ हेड है, और प्लस के अंदर क्या हुआ? इस्टियल स्पाइन से आगे आ गया। तो मेन जो अपन बोनी लैंडमार्क की बात कर रहे हैं वो क्या हो रहा है यहां पर? इस्टियल स्पाइन। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक बोनी लैंडमार्क की तरह अपने को डिस्टेंस शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर। द ओलिगोहाइड्रोएमनियो इज रिलेटेड विथ ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। जो ओलिगोहाइड्रोएमनियो होता है वो कौन सी कंडीशन से रिलेटेड है? फर्स्ट इज द रीनल एजेनेसिस, ईसोफेजियल एट्रेसिया, एनेंसिफेली या डाउन सिंड्रोम। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ओलिगोहाइड्रोमनियोस होता क्या है। अगर एमनियोटिक फ्लूड का लेवल, एमनियोटिक फ्लूड का लेवल लेस देन, एमनियोटिक फ्लूड का लेवल कितना है? लेस देन 200 ml। कितना? लेस देन 200 ml है तो ये कहलाता है ओलिगोहाइड्रोमनियोस। ठीक है, और अगर मोर देन 2000 ml होता है तो उसको बोलते हैं अपन पॉलीहाइड्रोएमनियोस। अब अपने को बताना है कि 200 ml जो है ये क्यों है, कौन सी कंडीशन के कारण है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसके अंदर जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होता है? रीनल एजेनेसिस। अब देखिए यहां पर एक वर्ड है एजेनेसिस। एजेनेसिस का मतलब क्या होता है? लैक ऑफ डेवलपमेंट। क्या होता है? लैक ऑफ डेवलपमेंट। अगर किसी भी ऑर्गन की डेवलपमेंट जो है उसके एम्ब्रियोलॉजी के दौरान या उसके डेवलपमेंट के दौरान अगर उसका कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं होता है, कोई फॉल्ट या माल फॉर्मेशन रह जाता है, उस तो उसको बोलते हैं एजेनेसिस। अगर यहां बात करें अपन रीनल एजेनेसिस, मतलब क्या हुआ? उसकी किडनी क्या हुई? कंप्लीट डेवलप नहीं हुई। और अगर रीनल एजेनेसिस कंडीशन है तो क्या नहीं कर पाएगा बच्चा? यूरिनेशन। ड्यूरिंग द इंट्रायूटराइन लाइफ बेबी यूरिनेशन नहीं करेगा। और आपको पता होना चाहिए एमनियोटिक फ्लूड का मोस्ट कॉमन पार्ट किससे बनता है? फीटल यूरिन से बनता है। किससे बनता है? फीटल यूरिन से बनता है। अब अगर किडनी माल फॉर्मेशन है, किडनी का डेवलपमेंट सही नहीं हुआ है, तो क्या नहीं करेगा बच्चा? यूरिनेशन नहीं करेगा। और क्या नहीं हो पाएगा? एमनियोटिक फ्लूड प्रॉपर नहीं रहेगा, मतलब एमनियोटिक फ्लूड का लेवल डिक्रीज रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज, जो बेबी होता है वो यूरिनेशन कब स्टार्ट करता है? यहां बात करें फीटस की। ठीक है, फीटस जो है यूरिनेशन कब स्टार्ट करता है? 12 वीक से। और इसी के साथ साथ फीटस क्या करता है? इसको स्वेलो भी करना स्टार्ट करता है। कब से? 12 वीक से। दोनों काम एक साथ होते हैं। 12 वीक से क्या होता है? यूरिनेशन स्टार्ट करता है। और 12 वीक से क्या करता है? स्वेलो करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहां पर अगर हम बात करें ईसोफेजियल एट्रेसिया की, ईसोफेजियल एट्रेसिया अगर बेबी के अंदर होता है तो कंडीशन होती है पॉलीहाइड्रोएमनियोस। ध्यान रखना, अगर आपको पूछे पॉलीहाइड्रोएमनियोस की कंडीशन तो इसके अंदर आती है ईसोफेजियल एट्रेसिया में, पॉलीहाइड्रोएमनियोस। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि बेबी क्या करता है? इसको स्वेलो भी करता है। अगर कंटिन्यूअस यूरिन आउटपुट करता रहेगा और बेबी इसको स्वेलो नहीं करेगा तो क्या होगा? एमनियोटिक फ्लूड का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। और ईसोफेजियल एट्रेसिया के अंदर आपको पता है ईसोफेगस क्या होगी? नैरो हो गई। एट्रेसिया का मतलब क्या होता है? कोई भी जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है उसका अगर डायमीटर की बात करो तो क्या हो जाता है?
नैरो हो जाता है, उसको बोलते हैं एट्रेसिया। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रीनल एजेनेसिस कंडीशन के अंदर क्या होगा, ओलिगोहाइड्रोएमनियोसिस कंडीशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट व्हाट जेस्टेशनल एज इज ए कंसेप्टस वाइबल एबल टू लाइव आउटसाइड द वूम्ब। ठीक है, आपको इनडायरेक्टली पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर, आपको एज पूछी है, जेस्टेशनल एज पूछी है, उस एज के बाद में आउटसाइड द वूम्ब बेबी क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। मतलब क्या पूछा इसके अंदर, वायबिलिटी पीरियड पूछ लिया आपको। कौन सा पीरियड, वायबिलिटी पीरियड। तो मैंने आपको बताया हुआ है वायबिलिटी पीरियड, तो वायबिलिटी पीरियड कितना होता है, 22 वीक। 22 वीक के बाद में एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर बेबी क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। और अगर इससे रिलेटेड एक दो किसी ने और बताए थे, अगर 22 वीक से पहले अगर इंट्रायूटराइन डेथ होती है उसको बोलते हैं अपन अबॉर्शन, और 22 वीक के बाद इंट्रायूटराइन डेथ होती है उसको बोलते हैं अपन स्टिल बर्थ। ठीक है, और 22 वीक क्या है, वायबिलिटी पीरियड। वायबिलिटी पीरियड क्रॉस करने के बाद में बेबी क्या कर सकता है, सर्वाइव इन एक्स्ट्रायूटराइन लाइफ। ठीक है, एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ। थोड़े सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इनमें कुछ लॉजिक है, तो ये बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 वीक आफ्टर द कंसेप्टस द ग्रोविंग स्ट्रक्चर इनसाइड अ यूट्रस इज नाउ कॉल्ड। 7 वीक बाद में जो ग्रोविंग स्ट्रक्चर है इंट्रा यूट्राइन लाइफ में उसको क्या बोलते हैं अपन, जाइगोट, एम्ब्रियो, फीटस या नियोनेट। आपको एज ग्रुप के अकॉर्डिंग यहां पर क्वेश्चन पूछा है, तो ये एज ग्रुप कहीं से कहीं पर भी पूछ सकता है आपको, 0 वीक से लेकर 18 ईयर ऑफ एज तक क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैं आपको सारी एज ग्रुप बता देता हूं, यहां से आपके 4 से 5 क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। यहां से देखिए, 0 to 2 वीक की बात करते हैं अपन, 0 to 2 वीक इसको बोलते हैं अपन जाइगोट। ठीक है, नेक्स्ट इज 2 to 8 वीक इज नोन एज एम्ब्रियो। 8 to 40 वीक नॉन एज फीटस। अब बात करते हैं अपन नियोनेट की, आफ्टर बर्थ फर्स्ट सेवन डे क्या कहलाता है, अर्ली नियोनेट। क्या कहलाता है, अर्ली नियोनेट। ठीक है, और 7 to 28 डे क्या कहलाता है, लेट नियोनेट। उसके बाद में 28 डे to 1 ईयर इन्फेंट। ठीक है, 28 डेज टू 1 ईयर से क्या कहलाता है, इन्फेंट। ठीक है, ऐसे एज ग्रुप के अंदर आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इनको आप ध्यान रखें। आपको पूछा है कब तक, 7 वीक तक, तो 7 वीक यहां पर कहां पर काउंट हो रहा है, एम्ब्रियो के अंदर। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस ऑफ द सर्विक्स इज सीन इन। अगर अपन बात करें सर्विक्स की अपीयरेंस कैसी दिखाई दे रही है अपने को, स्ट्रॉबेरी लाइक यानी मलबरी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, तो कौन सी कंडीशन में देखने को मिलती है, ट्राइकोमोनास, मोनेलियसिस, गोनोकोकस या ग्रेडिनेला। मैंने आपको करवा दिया है जब हमने पढ़ा था वेजाइनाइटिस, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वहां से कुछ बार क्वेश्चन आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपको कई बार पूछा जाता है, तो मैंने आपको टॉपिक क्लियर करवा दिया था वहां पर। तो देखिए, स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस जो देखने को मिलता है वो किसे में देखने को मिलता है, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस। ठीक है, ट्राइकोमोनास से जो डिजीज कंडीशन होती है उसके अंदर क्या होता है, सर्विक्स कैसा दिखाई देता है अपने को, स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस। ये एक प्रकार का क्या है, पैरासाइटिक इंफेक्शन होता है। कैसा इंफेक्शन है, पैरासाइट।
पैरासाइट का इंफेक्शन होता है, ठीक है, इसके अंदर ग्रीनिश वेजाइनल सीक्रेशन, ग्रीनिश वेजाइनल सीक्रेशन देखने को मिलते हैं, ग्रीनिश वेजाइनल सीक्रेशंस देखने को मिलते हैं, ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है, पैरासाइट इंफेक्शन है। और स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस जो देखने को मिलती है, क्यों मिलती है, ड्यू टू हेमरेजिक स्पॉट, हेमरेजिक स्पॉट्स के कारण कुछ ब्लड की डॉट दिखाई देती है वहां पर सर्विक्स के अंदर, कुछ ब्लड की हेमरेजिक स्पॉट्स दिखाई देते हैं, जिसके कारण अपने को कैसे दिखाई देता है, स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस इन द ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस कंडीशन के अंदर, ठीक है। दूसरा इसके अंदर कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, ऑप्शन ए, एक कंडीशन यहां से पूछता है अक्सर, मोनेलियसिस, ये एक प्रकार का क्या है, फंगल इंफेक्शन होता है, क्या होता है, फंगल इंफेक्शन, कौन सा, कैंडिडा एल्बिकेंस, कैंडिडा एल्बिकेंस का, और इसके अंदर क्या होता है सीक्रेशन, थिक व्हाइट कर्डी सीक्रेशन, कैसे, थिक व्हाइट कर्डी सीक्रेशन। तो क्वेश्चन कई बार यहां से पूछ लेता है, मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था वेजाइनाइटिस, जिसके अंदर हमने आप अलग अलग टाइप्स पढ़े थे, वहां से आप कंप्लीट चैप्टर को क्लियर कर ले एक बार, और ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं यहां से, ठीक है। सो ऑप्शन ए अपना क्या हो गया, राइट आंसर, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस के अंदर स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस देखने को मिलता है सर्विक्स का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द हाइपरएमएसएस ग्रेविडेरम, हाइपरएमएसएस ग्रेविडेरम का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा होता है, देखिए कंडीशन क्या है, हाइपरएमएसएस ग्रेविडेरम क्यों होता है, एचसीजी जो होता है वो क्या होता है इसके अंदर, एचसीजी का लेवल क्या होता है इसके अंदर, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और क्या होता है, मॉर्निंग सिकनेस क्या हो जाती है, इंक्रीज, मतलब एक्सेसिव वॉमिटिंग होती है, क्या होता है, एक्सेसिव वॉमिटिंग, और एक्सेसिव वॉमिटिंग से क्या होगा, विटामिन बी वन की डेफिशिएंसी, किसकी, विटामिन बी थायमिन की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, थायमिन की डेफिशिएंसी से होता है क्या, वर्निक्स एनसेफेलोपैथी, वर्निक्स एनसेफेलोपैथी, और वर्निक्स एनसेफेलोपैथी के अंदर तीन मोस्ट कॉमन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कौन कौन से, ऑप्थेल्मोप्लेजिया, ऑप्थेल्मोप्लेजिया, अटैक्सिया एंड कंफ्यूजन। ध्यान रखना, विटामिन बी वन की कमी होने से क्या होगा, वर्निक्स एनसेफेलोपैथी की कंडीशन देखने को मिलेगी, और वर्निक्स एनसेफेलोपैथी में तीन सिम्टम्स होते हैं, फर्स्ट इज द ऑप्थेल्मोप्लेजिया, अटैक्सिया एंड कंफ्यूजन। अगर कंटिन्यूअस वॉमिटिंग होती रही और विटामिन बी वन की जो डेफिशिएंसी और ज्यादा इंक्रीज हो गई, तो यहां पर इसका कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, कोर्साकॉफ साइकोसिस, कोर्साकॉफ साइकोसिस, जो एक सीवियर कंडीशन है, इसके अंदर भी सेम यही सिम्टम्स मिलते हैं, इनके अलावा एक एक्स्ट्रा सिम्टम्स और होता है, वो होता है इंपेयर्ड मेमोरी, क्या होता है, इंपेयर्ड मेमोरी। तो ये क्या हो गया, इसके कॉम्प्लिकेशन हो गए। अगर आप यहां ऑप्शन देखते हैं तो सारे सिम्टम्स अपने को दिखाई देते हैं किसमें, हाइपरएमएसएस ग्रेविडेरम में, वॉमिटिंग भी एक्सेसिव होती है, डिहाइड्रेशन भी होता है, कोर्साकॉफ साइकोसिस भी होता है, और लो ब्लड प्रेशर भी होता है। लेकिन ये क्या पूछा है, यहां पे कॉम्प्लिकेशन पूछा है क्वेश्चन में। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, कॉम्प्लिकेशन, और कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, जब अपन किसी डिजीज कंडीशन को ट्रीट नहीं करते टाइम पर, तो क्या होता है, वो चीज कॉम्प्लिकेट हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, इसके कॉम्प्लिकेशन पूछा है, और कॉम्प्लिकेशन मैंने आपको बता दिया कौन सी कंडीशन होती है, कोर्साकॉफ साइकोसिस, समझ में आ गया, एसजी इंक्रीज होगा, एक्सेसिव वॉमिटिंग होगी, विटामिन बी वन की डेफिशिएंसी होगी, बी वन की डेफिशिएंसी होने से क्या होगा, वर्निक्स एनसेफेलोपैथी, जिसके अंदर तीन सिम्टम्स होते हैं, ऑप्थेल्मोप्लेजिया, अटैक्सिया एंड कंफ्यूजन, ठीक है।
अब ये कंडीशन अगर ट्रीट नहीं की गई तो क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, कोर्साकॉफ साइकोसिस। और कोर्साकॉफ साइकोसिस के अंदर सेम सिम्टम्स होते हैं, इसके अलावा एक सिम्टम्स और एक्स्ट्रा देखने को मिलता है, वो होता है इंपेयर्ड मेमोरी। ठीक है, सबसे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होगा कौन सा, कोर्साकॉफ साइकोसिस। किसका होता है ये, हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम का। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। ए नर्स टीचेस वुमेन इन द फर्टिलिटी क्लिनिक दैट आफ्टर ओवुलेशन हैज अकर्ड द ओवम इज थॉट टू रिमेन वाइबल फॉर। एक फर्टिलिटी सेंटर में क्या कर रही है नर्स, एक वुमेन को टीच करवा रही है। ठीक है, तो किसके रिगार्डिंग, कि ओवम कितने टाइम तक वाइबल रहता है, एक बार ओम रिलीज होने के बाद में कितने टाइम तक वाइबल रहता है। तो ओम का जो वाइबिलिटी पीरियड होता है कितना होता है, 12 to 18 hours। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 12 से 18 घंटे तक अपन क्या मानते हैं इसका वायबिलिटी पीरियड मानते हैं ओम का। ठीक है, और अगर स्पर्म का होता है तो 48 to 72 hours क्या होता है, स्पर्म वायबल रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ए नर्स एक्सप्लेन टू ए प्रेग्नेंट क्लाइंट अबाउट द कॉज ऑफ द हर फिजियोलॉजिकल एनीमिया। अब देखिए, फीमेल क्या है, प्रेगनेंसी कंडीशन है, और उसमें कौन सी कंडीशन है, फिजियोलॉजिकल एनीमिया की कंडीशन है। देखिए आपको क्वेश्चन सही नहीं दिख रहा होगा, फिजियोलॉजिकल एनीमिया की कंडीशन है, तो नर्स उस फीमेल को क्या एक्सप्लेनेशन करती है। ऑप्शन ए इज द एरिथ्रोपोइसिस डिक्रीज हो गया, प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, यूटिलाइजेशन ऑफ द आयरन डिक्रीज एंड डिटॉक्सिफिकेशन बाय हर लीवर डिक्रीज। यहां पर हम देखते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, देखिए ब्लड प्लाज्मा लेवल इंक्रीज हो रहा है, आरबीसी इंक्रीज होती है, हीमोग्लोबिन इंक्रीज होता है, ब्लड इंक्रीज होता है और प्लाज्मा लेवल भी इंक्रीज होता है, लेकिन इनका जो रेशियो होता है वो कुछ डिफरेंट होता है। अब कितना होता है देखिए मैं आपको बताता हूं, यहां पर हीमोग्लोबिन की बात करें, हीमोग्लोबिन इंक्रीज होता है 18 से 20%। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट बात करें आरबीसी की, आरबीसी इंक्रीज होती है 20 से 30%। ठीक है, ब्लड की बात करें, ब्लड इंक्रीज होता है 30 से 40%। ठीक है, एंड ब्लड प्लाज्मा जो होता है वो होता है 40 to 50% इंक्रीज। ठीक है, अब यहां पर देखिए ब्लड प्लाज्मा आरबीसी की तुलना में क्या हो रहा है, ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, ब्लड प्लाज्मा आरबीसी की तुलना में ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो यह कंडीशन क्या करती है, हीमोडाइल्यूशन, क्या करती है, हीमोडाइल्यूशन। मतलब क्या हो गया, ब्लड क्या हो गया, लिक्विफाई हो रहा है, आरबीसी भी इंक्रीज हो रही है और ब्लड प्लाज्मा भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इनको जो अगर रेशियो की बात करें तो ब्लड प्लाज्मा मोर देन इंक्रीज फ्रॉम आरबीसी, आरबीसी से ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, और कंडीशन कौन सी हो गई, हीमोडाइल्यूशन। और इस हीमोडाइल्यूशन की कंडीशन के कारण ही क्या हो रहा है, प्रेगनेंसी के दौरान क्या हो रहा है, फिजियोलॉजिकल एनीमिया। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मतलब प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, प्लाज्मा वॉल्यूम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, जिसके कारण क्या हो गया, फिजियोलॉजिकल एनीमिया कंडीशन देखने को मिल रही है। समझ में आ गया ये चीज, जब हम बात करेंगे जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान उनके अंदर ये स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए क्लाइंट मेम्ब्रेन स्पॉन्टेनियसली रप्चर ड्यूरिंग द एक्टिव लेबर, लेबर की स्टेज चल रही है और स्पॉन्टेनियसली क्या हो गया, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन क्या हो गई, रप्चर हो गई। देन नर्स इंस्पेक्ट द पेरिनियम, नर्स क्या करती है, पेरिनियम पार्ट को असेस करती है एंड डिटरमाइन दैट द अम्बिलिकल कॉर्ड इज नॉट विजिबल, उसने असेस किया कि अम्बिलिकल कॉर्ड विजिबल नहीं हो रही है। व्हाट इज द नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन, तो नर्स का नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या होगा। अब देखिए ड्यूरिंग द मेम्ब्रेन रप्चर क्या होता है, सबसे पहले नर्स असेस करती है कि फीटस की जो रेस्पिरेटरी डिस्टेंस कंडीशन है वो ना हो, क्योंकि जैसे ही स्पॉन्टेनियसली अगर रप्चर होती है तो फीटस क्या कर जाता है, कई बार एस्पायरेट कर जाता है, एमनियोटिक फ्लूड को एस्पायरेट करने की क्या होती है, रिस्क कंडीशन होती है। तो सबसे पहला जो एक्शन होगा नर्स का वो क्या होगा, एस्कल्ट द फीटल हार्ट रेट, फीटल हार्ट रेट को सबसे पहले नर्स क्या करेगी, असेस करेगी।
उसके बाद में सेकंड ऑप्शन अगर आपको पूछे तो कॉल द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फॉर व्हाट कॉम्प्लिकेशन शुड ए नर्स मॉनिटर ए क्लाइंट व्हेन एन ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज इज यूज टू इंड्यूस द लेबर। अब आपको यहां पूछा है कि ऑक्सीटोसिन अगर किसी पेशेंट के अंदर अपन दे रहे हैं तो उसका कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है। ऑक्सीटोसिन जिसका नाम आपको ब्रांड नेम दिया गया है पिटोसिन, अगर आप किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो उसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिल सकता है। ऑप्शन ए इज द इंटेंस पेन, सेकंड इज द यूटराइन टिटेनी, थर्ड इज द हाइपोग्लाइसीमिया एंड फोर्थ इज द अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स। अब आपको पता है ऑक्सीटोसिन अगर अपन प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन। ऑक्सीटोसिन क्या कॉज करता है, यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन। अब एक आइडियल कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं, आइडियल कॉन्ट्रैक्शन कितने होते हैं, 3 कॉन्ट्रैक्शन इन 10 मिनट। अगर आइडियल कॉन्ट्रैक्शन एक लेडीज खुद एफर्ट के द्वारा नहीं हो पा रहे तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन इंड्यूस करते हैं। अब आइडियल कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस करवाने के लिए हमें कितना ऑक्सीटोसिन रिक्वायरमेंट होता है, तो ध्यान रखें आइडियल कॉन्ट्रैक्शन अगर अपने को अचीव करने हैं तो कितना, 2 international units in 500 ml NS एट द रेट ऑफ 60 ड्रॉप पर मिनट, ठीक है। 60 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से 2 international units 500 ml RS के अंदर मिक्स करके अगर अपन देते हैं पेशेंट को तो क्या होता है, हमें आइडियल कॉन्ट्रैक्शन अचीव होते हैं, मतलब 3 contractions 10 minutes में मिलेंगे। अगर इससे ज्यादा अपन ऑक्सीटोसिन इंड्यूस करते हैं पेशेंट के अंदर तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होते हैं और कंडीशन देखने को मिलेगी यूटेराइन टिटैनी, ऑप्शन बी, क्योंकि एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन या इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेंगे यूट्रस के अंदर, इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेंगे और मस्कुलेचर स्ट्रक्चर के अंदर इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलते हैं तो वो कंडीशन होती है टिटैनी की कंडीशन होती है, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये ध्यान रखना आप आइडियल कॉन्ट्रैक्शन के लिए 2 international units 500 ml NS के अंदर अपन इंड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। ए नर्स इज असेसिंग ए क्लाइंट, नर्स क्या करे, एक क्लाइंट को असेस कर रही है विथ ए टेंटेटिव डायग्नोसिस ऑफ द हाइटेटिडी फॉर मॉल, विच क्लिनिकल फाइंडिंग शुड द नर्स एंटिसिपेट। एक पेशेंट के अंदर हाइटेटिडी फॉर मॉल क्या करिए, असेस करिए तो कौन सा सिम्टम्स देखने के बाद लगेगा कि पेशेंट के अंदर हाइटेटिडी फॉर मॉल की कंडीशन है। ऑप्शन ए इज द हाइपोटेंशन, डिक्रीज फीटल हार्ट रेट, अनयूजुअल यूटराइन एनलार्जमेंट, पेनलेस हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग। तो ध्यान रखना हाइटेटिडी फॉर जो मॉल होता है, हाइटेटिडी फॉर मॉल के अंदर क्या होता है, प्लेसेंटा के अंदर अनयूजुअल एनलार्ज होता है, जो प्लेसेंटल जो सेल्स होती हैं, प्लेसेंटल सेल के अंदर क्या होगा, अनयूजुअल एनलार्जमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है, अनयूजुअल एनलार्जमेंट देखने को मिलता है। और एक प्रोपोर्शन की बात करें अपन की जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग जितना बेबी का जो ग्रोथ होना चाहिए उससे एक्स्ट्रा ग्रोथ अपने को देखने को मिलता है, ठीक है। जेस्टेशनल एज के अंदर अपन बात करें कि एक फीमेल के अंदर जो वेट बियरिंग की बात करें या फिर जितना एनलार्जमेंट होना चाहिए उससे कुछ एक्स्ट्रा एनलार्जमेंट देखने को मिलेगा ड्यूरिंग द हाइटेटिडी फॉर मॉल। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अनयूजुअल यूटराइन एनलार्जमेंट की कंडीशन देखने को मिलेगी किसमें, हाइटेटिडी फॉर मॉल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट शुड नेवर बी डन इन ए वुमेन हु हैज अ प्लेसेंटा प्रीविया। एक वुमेन है उसके अंदर कंडीशन कौन सी है, प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन है। तो यहां पर क्वेश्चन ने पूछा है व्हाट शुड नेवर ही डन, हमें क्या नहीं करना चाहिए, एब्डोमिनल पैल्पेशन, अल्ट्रासाउंड, एक्सटर्नल CTG एंड वेजाइनल एग्जामिनेशन। सॉरी, तो आपको पता होना चाहिए प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है। देखिए प्लेसेंटा प्रीविया की जो कंडीशन है,
इसके अंदर क्या होता है, इम्प्लांटेशन, ठीक है, जो इम्प्लांटेशन का हो रहा है, ठीक है, प्लेसेंटा का, वो कहां हो रहा है, लोअर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर, लोअर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर प्लेसेंटा का क्या हो रहा है, इम्प्लांटेशन हो रहा है, जिसको बोलेंगे अपन प्लेसेंटा प्रीविया। अब इसके अंदर चार कंडीशन होती है, फर्स्ट इज द लो लाइनिंग, ठीक है, फर्स्ट इज द लो लाइनिंग, सेकंड इज द मार्जिनल, थर्ड इज द इनकम्प्लीट एंड फोर्थ इज द कंप्लीट। इनकम्प्लीट के अंदर क्या होता है, पार्शियल कवर करता है किसको, इंटरनल ऑस को, और कंप्लीट के अंदर क्या करता है, कंप्लीट कवर कर लेता है इंटरनल ऑस को। अब आपको पता है कि अगर लोअर जो सेगमेंट होता है, लोअर यूटेराइन सेगमेंट, वहां पर प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन हो जाएगा और वहां पर अपन कुछ भी प्रोसीजर करते हैं तो क्या हो सकता है, प्लेसेंटा सेपरेट हो सकती है और क्या हो जाएगा, अबॉर्शन या स्टिल बर्थ होने की कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है कि वेजाइनल एग्जामिनेशन कभी नहीं करेंगे प्लेसेंटा प्रीविया के पेशेंट के अंदर। आपको पता है ड्यूरिंग द वेजाइनल एग्जामिनेशन या पर वेजाइनम क्या होता है, अगर प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन लोअर यूटेराइन सेगमेंट के अंदर है और अपन पर वेजाइनल या वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं तो ये क्या हो सकता है, यहां से सेपरेट हो सकता है, ठीक है, और क्या हो जाएगा, यहां पर जो वुम में फीटस है उसका क्या हो सकता है, अबॉर्शन या स्टिल बर्थ की कंडीशन देखने को मिल सकते हैं। वेजाइनल एग्जामिनेशन उसके अंदर कभी नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, सिंपल और इजी क्वेश्चन है। व्हेन द फीटल हेड इज एट द लेवल द इस्टियल स्पाइन, इट इज सेड दैट द स्टेशन ऑफ द हेड इज, अगर फीटस का हेड कहां पर है, फीटस का हेड कहां पर है, इस्टियल स्पाइन पर। अभी मैंने आपको समझाया था इस्टियल स्पाइन पर क्या है, फीटस का हेड है, ठीक है, तो ये कौन सा होता है, स्टेशन जीरो, स्टेशन जीरो, ठीक है, क्योंकि अभी हमने जो क्वेश्चन सोल्व किया था एक कि ऐसा एक बोनी लैंडमार्क जो क्या करता है, डिस्टेंस डिसाइड करता है फीटल हेड की इस्टियल स्पाइन से, स्टेशन जीरो कहलाता है। और ये कंडीशन क्या कहलाती है, जब स्टेशन जीरो होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, एंगेजमेंट, एंगेजमेंट, ठीक है। अगर फीटस हेड नीचे की तरफ डाउनवर्ड या डिसेंट हो रहा है और इसकी जो डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर है तो क्या हो जाएगा, स्टेशन प्लस वन। अगर 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, कहां से, इस्टियल स्पाइन से फीटल हेड की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है तो हो जाएगा स्टेशन प्लस टू। ऐसे होता है ये प्लस फाइव तक, और यहां पर प्लस फाइव पर आते आते फीटल हेड की डिस्टेंस जो इस्टियल स्पाइन से होगी वो कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। ऐसे जस्ट अबव अपन बात करें, इस्टियल स्पाइन से नीचे की बात करें, अगर इस्टियल स्पाइन से ऊपर की बात करें तो होता है -1, -2, -3 और -5 तक। ये जो 5, 3, 2 डिनोट कर रहे हैं क्या है, फीटल हेड की डिस्टेंस है इस्टियल स्पाइन से। माइनस में क्यों है, क्योंकि अभी फीटल हेड क्या है, जस्ट बैक साइड टू द इस्टियल स्पाइन, और फॉरवर्ड ऑफ इस्टियल स्पाइन होगा तो क्या होगा, +1, +2, +3, +4, +5, और स्टेशन जीरो पर क्या होगा, एंगेजमेंट, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हमने सॉल्व करवाए आपको। यहां से बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो मैंने आपको रेशनल के साथ साथ भी सॉल्व करवा दिए हैं और कुछ कोरिलेट क्वेश्चन भी तैयार करवाए आपके लिए। तो रेगुलर हमारी क्लासेस होगी, और आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो विक्रम सर की होगी, जिसके अंदर विक्रम सर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सोल्व करवाएंगे। हमारा टाइम टेबल हमने आपको बता दिया है, मंडे टू फ्राइडे हमारी 4 से 5 क्लासेस होती हैं, और सैटरडे को हमारी स्पेशल क्लास होगी जिसके अंदर हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड, विश यू ऑल द बेस्ट।